हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हरियाणा में घर से बाहर जाने के लिए ई पास कैसे बनाएं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप अपने घरों में ही है। बाकी अगर आपको कुछ इमरजेंसी भी है तो पास लेना पड़ेगा, जैसे कि हॉस्पिटल जाना हो, अगर आप शॉपकीपर हैं तो आपको सामान लाने के लिए जाना हो, और भी बहुत सारी ज़रूरत है जो कि आप कर सकते हैं पास बना करके। अगर आप हरियाणा में फंसे हैं तो भी आप अपने घर अपने राज्य आ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप ऑनलाइन ई पास के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से और घर बैठे हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है सरल हरियाणा ई पास। जैसे आप सरल हरियाणा ई पास टाइप करेंगे, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये सरल हरियाणा के एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपको आईडी बनाना पड़ेगा और मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ बिना आईडी बना करके, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सरल प्लस सरल हरियाणा, मतलब ये डायरेक्ट अप्लाई है, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैटेगरी डालना है कि किस कैटेगरी के लिए आपको पास चाहिए। फिर यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, वीकली पास है, पब्लिक है, एसेंशियल सर्विस है और नॉन एसेंशियल सर्विस है। तो आपको जो चाहिए आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप पब्लिक है, घर से बाहर किसी काम से जाना चाहते हैं, मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, तो आप पब्लिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप दोस्तों आप यहाँ पे सब कैटेगरी देख सकते हैं। सब कैटेगरी में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन में आपको जाना है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो गया, नॉन मेडिकल इमरजेंसी हो गया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो गया, COVID-19 का टेस्टिंग हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, इमरजेंसी शेड्यूल सर्जरी हो गया और ऑनगोइंग क्रिटिकल ट्रीटमेंट, जैसे कैंसर, ट्रांसप्लांट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ये सब है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको आराम से पास मिल जाएगा। फिर रूटीन हेल्थ चेकअप हो गया, शेड्यूल फ्लाइट ट्रेंस हो गया, फूड प्रोवाइडर हो गया, एयरपोर्ट पर्सनल हो गया। आपको इसमें जो भी चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक है, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पास रिक्वायर्ड फ्रॉम, मतलब कि आपको पास कब से चाहिए, ठीक है। फिर पास रिक्वायर्ड अप टू, पास आपको कब तक का चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी, जो भी हरियाणा में जिला है सब जिला का नाम आ जाएगा। तो आपको जहाँ से मतलब अथॉरिटी करवाना है, आप जहाँ के जिले से आते हैं आप, उस जिले को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप पर्पस लिख देंगे, आपका जो भी पर्पस है उस पर्पस को यहाँ पे 100 वर्ड से लेकर के 100 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। पर्पस को आप अच्छे से लिखें ताकि आपका पास जल्दी बन जाए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं मूवमेंट फ्रॉम कि आपको पास कहाँ से चाहिए, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट टू, मतलब कि आपको पास कहाँ तक का चाहिए। मान लीजिए कि आप हरियाणा में है और हरियाणा के लिए ही पास चाहिए, तो आपको यहाँ पे हरियाणा का एड्रेस ही डालना है, ठीक है। अगर मान लो आप मतलब हरियाणा में फंसे हैं और अपने घर जाना चाहते हैं और अपने राज्य जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपने राज्य का नाम डाल देना है और गांव का नाम डालना है, जिला का नाम डालना है और लास्ट में आपको अपना राज्य का नाम डाल देना है, तो आप अपने राज्य तक भी वापस जा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पर्सन नेम, आपको जिस भी आदमी के नाम से अप्लाई कर रहे हैं उस आदमी का नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर उसी का फादर नेम, हस्बैंड नेम डालना है। फिर उसके बाद आपका एज क्या है वो डाल देना है ईयर्स में, ठीक है। जैसे 25-30 हो गया वो डाल देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है आप उस जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना मैंडेटरी है, इसलिए है क्योंकि अगर पास बनेगा तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा आपका पास बन गया है और आपके ईमेल पे भी एक पीडीएफ आ जाएगा कि आपका पास बन चुका है। फिर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट आईडी है, आधार आईडी है, वोटर आईडी है, स्टेट गवर्नमेंट आईडी है और सेंट्रल गवर्नमेंट आईडी है, पैन कार्ड है। तो आपको आपके पास जो भी है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपको यहाँ पे
डाल देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रोफेशन डाल देंगे, जो भी आपका प्रोफेशन है आप वहाँ पे डाल दें। फिर उसके बाद आपको हाउस नंबर डालना है कि आपका हाउस नंबर कहाँ पे, आपको हरियाणा का एड्रेस ही डालना है, ठीक है। अगर आप मान लो हरियाणा से दूसरे राज्य में भी जा रहे हो तो आप हरियाणा में जिस जगह पे हो अभी आप, उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको कॉलोनी डालना है, वार्ड नंबर डालना है, सिटी डालना है, विलेज डालना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में हो, ठीक है, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको पोस्टल जिप कोड डालना है, जो भी वहाँ का पिन कोड होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द पर्पस, फिर आप जिस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर्पस का सपोर्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। आप जिस पर्पस के लिए अप्लाई करेंगे उस पर्पस को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, सपोर्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर डालना है, जो भी गाड़ी का नंबर है आप गाड़ी का नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर व्हीकल मैक, इसमें आपको गाड़ी किस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम डाल देना है। उसके बाद व्हीकल कलर, तो आपका गाड़ी का कलर जो भी है वो कलर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद व्हीकल टाइप्स, व्हीकल टाइप्स में आप देख सकते हैं बहुत सारा है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, मीडियम गुड्स व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, हैवी गुड मोटर व्हीकल है, और हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल है, और ट्रेलर है, और ट्रैक्टर ट्रॉली है। आपको जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो टू व्हीलर के लिए अप्लाई करेंगे तो टू व्हीलर सेलेक्ट करेंगे, थ्री व्हीलर के लिए अप्लाई करेंगे तो थ्री व्हीलर सेलेक्ट करेंगे, और फोर व्हीलर के लिए अप्लाई करेंगे तो फोर व्हीलर सेलेक्ट करेंगे। तो आपको आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब कि आप जिस गाड़ी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस गाड़ी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप मान लें आपके पास फोर व्हीलर है तो आप फोर व्हीलर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पे एडिशनल पर्सन डिटेल्स आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर मान लो आप फोर व्हीलर सेलेक्ट किए हैं और फोर व्हीलर में सेवन सीटर, फाइव सीटर, फोर सीटर है, तो यहाँ पे आप फोर आदमी का नाम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स ऐड करना, जो भी मतलब मान लीजिए आपके गाड़ी में चार सीटर है, पाँच सीटर है, सेवन सीटर है, तो आप यहाँ पे उस सातों आदमी का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपके साथ कंपनी देने के लिए कोई पर्सन जाएगा तो उस पर्सन का भी नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी ये पास वैलिड होगा, तभी वो आपके साथ में जा सकता है, नहीं तो आप अकेले सिंगल जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एडिशनल पर्सन का भी नाम डाल देना है। फिर जैसे मान लीजिए कि आप चार चक्का से जा रहे हैं और आपका सेवन सीटर है, फाइव सीटर है, तो यहाँ पे आप पहला का नाम डाल देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एज डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका जेंडर कौन सा है। फिर यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद फिर आप प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरे पर्सन का ऐड कर देंगे उसी तरीके से, फिर आप प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरे का कर देंगे। ऐसे करके आप जितने भी पर्सन हैं उसका ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए चार चक्का में सात आदमी बैठ सकता है, तो आपको यहाँ पे सातों आदमी का नाम डाल देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप टू व्हीलर पे है, ठीक है, तो मोटरसाइकिल पे आप दो आदमी बैठ सकते हैं, सिर्फ इसमें दो आदमी का ही नाम डालना पड़ेगा आपको। थ्री व्हीलर पे आप पांच आदमी का नाम डाल सकते हैं, बाकी आप ऐसे ही करके जो भी आपके लायक गाड़ी है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे एडिशनल पर्सन का नाम डाल सकते हैं जो आपके साथ जा सकता है। मान लीजिए कि आप हरियाणा से बाहर किसी और राज्य जाना चाहते हैं, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप गाड़ी रिजर्व भी कर सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं। और रेंट पे लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स डाल देना है। जब दोस्तों आप सारा डिटेल्स फिल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कैप्चा डालना, जो भी आपके फ़ोन में कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को आप यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे 10 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा, आपको वेट करना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर दे दिया, जो कि अभी ड्राफ्ट में है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका साथ जितने आदमी का आपने नाम डाला था यहाँ पे आपको नाम शो कर जाएगा। उसके अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती किया है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
दोस्तों यहाँ पे 20 से 30 सेकंड का टाइम लगता है, तो आपको वेट करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिसिप्ट मिल चुका है। यहाँ पे आपको सरल आईडी दिया गया जो कि एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, और जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया था यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका पर्पस वैलिड रहा तो आपका पास 2 से 3 मिनट में बन जाएगा। अगर आपका पास वैलिड नहीं रहा तो उसमें टाइम लगता है उसको रिसर्च करने में, उसके बाद ही आपको अप्रूव करेगा। अगर आपका पास वैलिड रहा तो आपको 2 से 3 मिनट में पास अप्रूव्ड हो करके आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, और आपके ईमेल नंबर पे आपका पास पीडीएफ में आ जाएगा, तो उसे आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको अपने गाड़ी के शीशे पे चिपका देना है फ्रंट साइड में। तो आप ऐसे करके आप अपना पास बना सकते हैं। अगर आपको हरियाणा से किसी और राज्य में भी जाना है तो आप ऐसे करके ही बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। घर में रहे सुरक्षित।